जेड़ा झाल पर सदर विधायक मनीष असीजा ने करोड़ों की लागत से किया भोगनीपुर ब्रांच के कायाकल्प का शुभारंभ, ग्रामीणों ने जताया आभार। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में भोगनीपुर ब्रांच के कायाकल्प का सदर विधायक मनीष असीजा ने विधि विधान से पूजन कर गुरुवार दोपहर 2 बजे करीब शुभारंभ किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए बताया कि निचली गंगा नहर प्रणाली यहां से 0 पॉइंट से जेढ़ा झाल है, जहां से भोगनीपुर ब्रांच है उससे आगे इटावा कानपुर देहात होते हुए 171 किलोमीटर की पूरी लंबाई है। 0 से 7 किलोमीटर तक 22 करोड़ का काम है। 7 से 171 किलोमीटर तक का भी लगभग 22 से 23 करोड़ का काम है। ग्रामीणों ने आभार जताया, वहीं काफी संख्या में क्षेत्रीय जन संघ भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। ये निचली गंगा नहर प्रणाली जिसे लोअर गंगा कैनाल कहते हैं, यहाँ के 0 पॉइंट से जो जेड़ा झाल है, यहाँ से ये भोगनीपुर ब्रांच है जो यहाँ से 0 से 60 किलोमीटर तक तो फिरोजाबाद जिले में, जिसे हम लोग बूढ़ा नहर भी कहते हैं, उससे आगे इटावा देहात, इटावा और कानपुर देहात होते हुए 171 किलोमीटर की ये पूरी इसकी लंबाई, तो ये 0 से 60 किलोमीटर तो आज 22 करोड़ का काम है और 60 से 171 का भी लगभग 22-23 करोड़ का काम है। इसमें है क्या कि ये जो नहर है ये ब्रिटिश टाइम की है, लगभग 125 साल पुरानी, और ये सुनिश्चित जानकारी है कि आज तक इसका जीर्णोद्धार नहीं हुआ। जीर्णोद्धार क्या होता है कि जैसे कोई नहर है लगातार बह रही है तो उसके तलेटी में मिट्टी जम जाती है, उसके किनारे कट जाते हैं, तो उसकी पानी लेने की क्षमता कम हो जाती है। तो इस नहर की असली क्षमता 2000 से लेकर 2100 क्यूसिक की है और अभी ये ले पा रही है 1400-1500 क्यूसिक। रीमॉडलिंग में क्या होगा, इस नहर को पूरा, इसकी तलेटी पूरी मांझी जाएगी, इसके किनारे बनेंगे, इसकी पटरी बनेंगी, जहाँ जहाँ टूट हो गई है वो बनेगी, जहाँ जहाँ पुलिया पड़ रही है पुलिया मरम्मत होंगी या नई बनेंगी, ये नहर दोबारा नई बन जाएगी, इसका कायाकल्प हो जाए और आने वाले 40-50 साल तक इस क्षेत्र के लाखों किसानों के लिए ये संजीवनी का कार्य करेगी। अभी जो इसकी क्षमता है, क्षमता बढ़ने के बाद ये 1.25 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन की सिंचाई करने में सक्षम हो जाएगी, लाखों किसानों को लाभ होगा। इसकी जब हमारी क्षमता बढ़ जाएगी तो 1 रजवा और 3 माइनर जिसे पंबा बोलते हैं, अभी बीच में एक भाई बोले भी थे, वो भी एक हम इसमें और निकालेंगे, निकालने का प्रयास करेंगे। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, यशस्वी माननीय जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव जी और अपनी पूरी पार्टी, अपने सभी साथी नेताओं का और इस क्षेत्र के ग्रामीणों का कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप सबके कारण से ये एक ऐसा काम होने जा रहा है। इससे एक बात और होगी, पानी का लेवल बढ़ेगा, कई जगह खारे पानी की समस्या है जो लेवल घटने से है, जिसमें हाई फ्लोराइड या हाई आर्सेनिक की समस्या आ जाती है, उसकी भी समस्या दूर होगी। आप ये समझिए कि पानी से पलने वाले जीव जंतु वनस्पति हरियाली प्रकृति वातावरण पर्यावरण हर चीज के लिए ये एक मील का पत्थर होने वाला ऐसा काम है।